नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू स्टूडियो और मैं हूं रूहानी। जम्मू कश्मीर की फिजा इस समय सियासी हो चुकी है और तमाम सियासी दल जो है इस समय पुरजोर ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो नुमाइंदा है वो जनता के दिल में घर सके। लेकिन यहाँ पर अगर हम मौजूद हैं तो बिश्नाह क्षेत्र में मौजूद है, यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार भी है, कांग्रेस के उम्मीदवार भी है, भाजपा के उम्मीदवार भी है, लेकिन जनता के मन में कौन सा उम्मीदवार घर कर पाया है, इसी के लिए हम जनता से आज बात करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ है, ये मेन बाजार है बिश्नाह का, इनसे जानने कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, क्या लगता है इस बार क्या देखकर क्या वोट करोगे और क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मैं भारतीय को वोट डालूंगा। भारतीय क्या मुद्दे क्या रहने वाले, क्या परेशानी क्या आ रही, क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो ठीक है, ऐसे ठीक है, सब ठीक। स्मार्ट मीटर लगे हैं यहाँ पे? स्मार्ट मीटर तो लगे हैं। कितने कितने बिल्स आ रहे हैं? बिल ज्यादा आ रहे हैं, वो है वो, उसका चक्कर पड़ा है। कितने कितने बिल पहले आते थे और कितने अभी आ रहे हैं? कम आते थे, अब ज्यादा आ रहे हैं। ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ तक पहुँच गया आंकड़ा आप लोगों? आंकड़ा बहुत ज्यादा पहुँच गया, हजारों तक चला गया, हजारों तक चला गया। यहाँ पर महंगाई को लेकर जो है लोगों में गुस्सा है, वो एक गुस्सा है, महंगाई का गुस्सा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। पिछली बार जब आपने वोट दिया था किसके नाम पर दिया था? वोट डाल दिया जो जहाँ दिल किया तो उसमें। इस बार क्या लगता है किसको देने वाले? भारतीय को डालना, भारतीय को। ठीक है, देखिए साफ तौर पर स्मार्ट मीटर का मुद्दा पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर गांव देहात तक भी पहुंच चुका है, ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचा हुआ है। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, इनसे पहले बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्याम जी, क्या लगता है इस बार क्या देखकर वोट दोगे और क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे क्या, जो बिजली के बिल आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा, जो 500-600 आता था आज 3000-4000 बिल आ रहा है। जो दिहाड़ी लगाता है 800 रुपए की, चार उसका महीने का 8000 में वो पे लेता है किसी से काम करता है, और उसका 4000 बिल आ रहा है, 3000 बिल आ रहा है। वो बच्चे पालेगा चाहे उसका किराया देगा, और भी बहुत मुद्दे हैं। जो नौकरियां थी, लारा लगाया था भाई नौकरियां देंगे, नौकरियां बंद कर दिया। गरीब जनता बहुत इस टाइम परेशान है, और इसलिए इस टाइम मतलब सारे परेशान हैं। जो इन्होंने किए थे वादे उस पर कोई नहीं इन्होंने उतरे, जो वादे किए थे नौकरियां देंगे हमें, गरीबों को पेंशन लगाएंगे हमें, सबको मतलब राजमेंट मतलब नहीं करेंगे, सबको राजमेंट किया इन्होंने। इस बार ये लगता है कि बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए पक्का। किसको देने वाले हो? हम तो क्या इसको देंगे क्या, अपने शिवसेना को, शिवसेना। हाँ, देखिए कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक मुद्दा काफी ज्यादा मुखर है, जम्मू क्षेत्र से हम ताल्लुक रखते हैं, वहाँ पर भी स्मार्ट मीटर, यहाँ पर भी। क्या लगता है क्या देखकर वोट देने वाले हैं? हम देखते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है, दो बार बन चुके हैं, दो बार से ज्यादा हो गया, इसलिए कि वो वोट के महंगाई के कारण लोग कहते हैं कि कोई बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, कोई किसी का बिल ज्यादा आ रहा है, या किसी सामान को महंगाई बढ़ा दी है, उससे लोगों को। बीजेपी वाले कहते हैं तो महंगाई तो है ही नहीं, वो तो कहते तो हैं, लेकिन कहने वाले को, दिहाड़ी वाले को तो पूछो ना, नौकरी वाले को पूछो क्या क्या है, नौकरी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 40-50 हजार रुपया तनख्वाह लेगा या 60 लेगा, वो कल को दबाव तो देगा ना। तो काम काज कैसे आपका यहाँ? काम काज ढीला है, देखो काम क्या करते हो? उसका काम पहले, आज से 10 साल पहले काम ठीक था और अभी कैसा है? अब काम रहा ही नहीं है, तो ऑनलाइन हो गया सभी, एक देश से दूसरी जगह से लोग आते हैं, जो बाहर का मुल्क समझे थे, हमारे लोग बेकार हो जाते हैं, बेकार हो। स्मार्ट मीटर को लेकर भी वोट देने वाले हैं इस बार? इस बार कहाँ देंगे? आप किसको वोट देने वाले हो? आपको उम्मीदवार कौन रहने वाले? भारती को देंगे। देखिए लगातार जो है ये एक ऐसा क्षेत्र है, कहते हैं कि हब है एक सिटी का, या फिर बिश्नाह क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख लीजिए दुकानदार हैं, बाजार है, खचा खच। फिलहाल पिछले 10 साल की अगर हम बात करें, 10 साल से पूर्व लोगों का कहना है कि ये बाजार खचा खच लोगों के रस से भरा होता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जो व्यक्ति जहाँ तहाँ अपना सामान लगाकर बैठा हुआ, और जो व्यक्ति जो है उम्मीद के साथ यहाँ पर आता है कि देखिए हम सामान लगाएंगे और यहाँ पर लोग खरीदारी करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बुरे हालात है अगर आप कारोबार कर रहे हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल जी, क्या देखकर इस बार वोट देने वाले और क्या मुद्दे हावी रहने वाले, जो दिमाग में रहने वाले और वोट का बटन दबाओ? वोट का तो हम तो भारती जी को ही देंगे, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट मीटर का कुछ है बोलबाला? स्मार्ट मीटर का तो बहुत परेशानी है लोगों को, इतना बिल बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है लोगों का, सभी लोग परेशान है। पहले कितना आता था? पहले कितना आता था? 600-700 रुपया, 1500, 1800, 2000, 3000, जैसे जैसे आप
अभी ये आप छोटा सा कारोबार है तो आप परिवार चला पा रहे हो? अभी बहुत मुश्किल है मैम, परिवार चलाना तो ऐसी बात नहीं। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हम तो तीन हैं। तीन है, एक बेटी है, तो हम दो वाइफ। तो काम काज अगर नहीं होगा तो बच्चों को खाना कैसे खिला रहे हो, पढ़ा कैसे रहे हो? मैम खर्चा चलाना तो बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं महंगाई है ही नहीं, देश के लिए काम कर रहे हैं। महंगाई देखो, देखो महंगाई तो सब आप देख रहे हो, महंगाई तो इतनी है। अब देखो दाल देखो 100 रुपया किलो, 110 रुपया किलो, राजमा 240-250 रुपया किलो हो गया। मैम क्या खाएगा गरीब बंदा? पहले वो सोचते थे लोग भाई हम दाल फुल्का खाएंगे तो गरीबी से दाल फुल्का खा सकते हैं, सब्जी की छोड़ो परे। अब ऐसा हो गया है कि आदमी फुल्का खाने से भी मजबूत नहीं है। गुस्सा आता है आपको कि मतलब देश में कुछ और बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, यहाँ पे लोग बदल रहे हैं, लोगों के घर बार जो है वो? हमें तो कुछ आज तक बदलाव देखा नहीं है, कुछ नहीं देखा है। सब देखो सड़कें देखो, वो बोल दो कहीं भी गाड़ियां देखो, इतनी भीड़ होती है, लोगों निकलना बहुत मुश्किल होता है। जो रश आज से 10 साल पहले होता था वो अभी रश है लोगों का? मतलब लोग आ रहे, पहुंच रहे खरीदारी? मैम कहाँ होंगे, लोगों के पास पैसे नहीं रहे हैं लॉकडाउन के बाद, पैसे नहीं लग रहे लोगों के पास, लोग कैसे आएंगे? तो आप लोग कैसे अपना सामान कैसे डालते हो? मैम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बेचते हैं, थोड़ा थोड़ा ले आते हैं, बस खर्चा ही चलाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दर्शना। किसको देखकर वोट दोगे और क्या हावी क्या रहने वाला है इस बार? मेरे को कुछ पता नहीं। ऐसे किसको वोट डालते हो आप? किसको डालते? जिसको उधर बोलते हैं डाल देते हैं। यहाँ पे लोगों को पेंशन मिल रही है टाइम पे? मेरे को तो मिलती नहीं, मेरे घर वाले को उन्हें नौकरी की उनको मिलती है, मगर बिजली के बिल इतने आ रहे हैं ना। पहले काम आते थे, जो पेंशन से बच्चे को खिलाएगा कि 5-5, 6-6 हजार बिल भरेगा, फिर भी बिजली बहुत कम। आपका गुस्सा इस बार स्मार्ट मीटर पे निकलने वाला है? बिल पे निकलेगा क्या लगता है? हाँ आता तो है। ठीक है, बिजली के भी मीटर, उसके पानी के मीटर भी लगने हुए हैं, वो तो इलेक्शन के बाद बोल रहे लगेंगे। हाँ मैम तो लोगों को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पानी ठीक है मैम, धन्यवाद आपका। पानी भी बोल रहा था। मतलब ये एक बात है कि ये जो एक व्यवस्था है स्मार्ट मीटर की, या ये जो एक फैसला है उपराज्यपाल ने लाया है, लेकिन आने वाले समय में जो समय आ रहा है, अगर वोटिंग प्रक्रिया लोग उसको जहन में रखेंगे कि लोग सोचेंगे कि देखिए ये बीजेपी का फैसला है, बीजेपी के द्वारा नियुक्त जो है एलजी किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, और वो फैसला जो है वोटों के विरोध में भी परिवर्तित हो सकता है, लोगों का गुस्सा जो है, जम्मू सिटी की बात करें, बिश्नाह क्षेत्र की बात करें, स्मार्ट मीटर सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। खाने को यहाँ पर निवाला नहीं है, लेकिन लोग जो है लगातार ये कह रहे हैं विकास तो हुआ नहीं लेकिन विनाश की ओर जो है जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, हर एक व्यक्ति की आमदनी घटी है, महंगाई बढ़ी है और स्मार्ट मीटर ने हर एक व्यक्ति का बुरा हाल कर दिया है। आप ये हमारे साथ बने रहे, देखते जम्मू। नमस्कार।